हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम रंजन कुमार है। जैसे कि आपको पता है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वीडियोस बनाता हूं, तो आज मैं फिर एक नया टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूं, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909। तो प्लीज आप गिव मी लव सपोर्ट एक्सटेंड फॉर मी टू मेक ए मोर वीडियोस। तो चलिए अब हम बात करते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म की। मॉर्ली जो थे क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। क्या थे जी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो जो थे वायसराय ऑफ इंडिया थे। ये दो व्यक्ति थे, दो ग्रेट पर्सनालिटी थे। अब हम बात करते हैं, देखिए ये बात है इन अक्टूबर 1906 के। कब किया भाई? 1906 के। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम इलाइट कॉल्ड द सिमला डिस्प्यूट। क्या जी? सिमला डिस्प्यूट लेड बाय अग्गा खान। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम, एक बेसिस्ट क्लास के लोग जिसका नेतृत्व तो आगा खान कर रहे थे, ये कहां जाते हैं? मेट लॉर्ड मिंटो एंड डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये कहां जाते हैं जी? मिंटो के पास जाते हैं, लॉर्ड मिंटो के पास जाते हैं और क्या करते हैं? एक मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड करते हैं। 1906 की बात है, लेकिन मिंटो क्या कहते हैं? मिंटो कहते हैं भाई थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, हम इसको लेके आएंगे। तो इन्होंने क्या किया? उनकी बात मान लिया। थोड़ा सा ये मुस्लिम क्लास जो थे थोड़ा सा सब्र रखा और लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो लेके आते हैं मॉर्ली मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसमें इनकी जो डिमांड थी उसको फुलफिल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या क्या प्रोविजन थे, सबको एक एक करके बात करेंगे। चलिए अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम द 16 टू 60। ये क्या करते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको इंक्रीज कर देते 16 से 60। इसको इंक्रीज इसलिए करा किया जाता है सर कि इंडियन की ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा बढ़ते जा रहा था उसको भी क्या कम कर दिया जा सके, कम किया जा सके। एक बैलेंस बना, बैलेंस अप्रोच अपना रहे थे कि कैसे हम सबको एक शांत तरीके शांत करके लंबे समय तक क्या कर सके जी, राज कर सके। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जी। राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम्स। उस समय जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने गए थे, मांग करने गए थे, किसके पास? मिंटो के पास। वो इस एक्ट में दे दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए। इन द रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग कॉमनल एक्टिविटीज, इसको ध्यान में रखते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है कि कम्युनल एक्टिविटी क्या इस देश में बढ़ते जा रहा है। कम्युनल एक्टिविटी तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको याद होगा कि नहीं? आपने देखा होगा तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कम्युनल एक्टिविटी ये होता है कि लोग रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, अपने रिलीजन को सुपीरियर बताते हैं और दूसरे के रिलीजन को क्या इंफीरियर बताते हैं। क्लियर? हम अपने रिलीजन को सुपीरियर बताएंगे, दूसरे रिलीजन को क्या इंफीरियर बताएंगे, और वो हमारे रिलीजन को इंफीरियर बताएगा और अपने रिलीजन को सुपीरियर बताएगा। यही होता है कम्युनल एक्टिविटीज, रिलीजन के नाम पे एक दूसरे से हम लड़ेंगे। तो यह बढ़ते जाता है, इसी के ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सेंसन कर दिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं Some special seat was reserved for Muslim. और मुस्लिमों के लिए कुछ सीट भी रिजर्व कर दिया गया था। Some special seat was reserved for the Muslim.
इसमें क्या था जी, इसमें ये था कि इस सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट ही केवल खड़ा होगा, इस सीट पे केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उस पे उसको सॉरी और उसको वोट भी क्या मुस्लिम ही करेंगे। जो सीट रिजर्व था, स्पेशल सीट जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व था, उस पे केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको वोट भी मुस्लिम व्यक्ति ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्लियर। और ये पॉइंट एक और भी था, वन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ना भाई, जिसमें एक इंडियन का भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ऐसा प्रोविजन इसमें था। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन का भी क्या होने चाहिए, इंडियन का भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। क्लियर। तो जो फर्स्ट इंडियन थे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, द सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जो फर्स्ट इंडियन थे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। क्लियर। आई होप आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा मॉर्दी मिंटो के बारे में, मॉर्दी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जो थे क्या वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने मिंटो के पास जाते हैं, ये कौन, ये मुस्लिम इलाइट क्लास जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शिमला डिस्प्यूटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिमला डिस्प्यूटेड बोलते हैं, और वो डिमांड करते हैं किसके, सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड करते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्या, मिंटो कहते हैं थोड़ा सब्र रखो बेटा, थोड़ा सब्र रखो, तो इन्होंने सब्र थोड़ा सा रखा, पेशेंस मेंटेन किया और वो दे के आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट भी इंक्रीज कर दिया जाता है और सेपरेट इलेक्टोरेट भी उनके पास ही हो जाते हैं और उनके लिए सीट भी रिजर्व कर दिए जाते हैं। क्या जी, मुस्लिमों के लिए एक स्पेशल सीट भी रिजर्व कर दिए जाते हैं। और वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन का अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो भी पास हो जाता है और फर्स्ट सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना सरल हो सके उतना सरल करके आपके बीच लेके आओ, और मैं यही मेरी कोशिश रहेगा कि आपके बगल वालों से, आपके पड़ोसियों से मुझे आपको एक स्टेप आगे लेके जाना है और मेरा यही प्रयास रहेगा। तो प्लीज गिव मी योर लव एंड सपोर्ट्स। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।